डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक सबसे पहले तो थैंक्स मेरे स्टूडेंट मिस्टर आशुतोष को जिन्होंने कि मुझे ये पेपर भेजा इसके चलते मैं पीएचडी जो एस के प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट काफी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया सर आप पीएचडी के लिए भी बनाइए मेरे पास पेपर नहीं थे ये पेपर पब्लिश करते भी नहीं है तो सिंस आई गॉट द पेपर तो मैंने उस पर कोशिश किए बनाने की कुछ क्वेश्चन बहुत ही अर्बिट है मैंने आपके लिए रिसर्च करने के लिए छोड़ दिया है जो रिलेवेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेटली इससे आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि क्वेश्चन मिलते जुलते हैं और वो रिपीट करते हैं तो 2015 के क्वेश्चन अभी भी बहुत रिलेवेंट है सो लेटस्ट बिगिन एसएयू फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू इन इंटरनेशनल रिलेशन दो पेपर एनालिसिस टू थाउजेंड फिफ्टीन विथ लॉर्ड्स ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ये सभी मेरे स्टूडेंट यदि आप पीजी इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तो ये वीडियो जरूर देखिए आपके लिए बहुत कुछ इसमें है सो लेटस् बिगिन सबसे पहले प्लीज अलाउ मी दो इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी में एक तरह का मैंने मेंबरशिप ग्रुप बनाने की कोशिश की है जो पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी को सस्टेन करने के लिए है हेल्प करने के लिए है और

ट्रस्ट माई वर्ड आप सीधा खरीद लीजिए बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है कहाँ पे अवेलेबल है आप यहाँ देख सकते हैं कोई दिक्कत हो डाउनलोड करने में तो आप मुझे मेल करें मैं आपको हेल्प करूंगा जो इसके सिलेबस है वो देखिए क्या है बहुत सिंपल सा है अप्लीकेट सब्जेक्ट नॉलेज मतलब आपको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में मास्टर्स लेवल का पता होना चाहिए पहला दूसरा है कि जनरल नॉलेज जो है साउथ एशिया और वर्ल्ड का होना चाहिए ये बहुत ट्रिकी है इसमें ये क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि स्टूडेंट जवाब ना दे पाए क्योंकि इनके क्वेश्चन कम होते हैं ये फिल्टर आउट करना चाहते हैं तो बहुत अकवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन और आप लोग कैसे तैयार कर सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट है सबके लिए डिफिकल्ट इसलिए बहुत ज्यादा चिंता की बात है नहीं पचास एमसी होंगे पहले तो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे अब नहीं होंगे जैसे इसमें चालीस क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है दस क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे अब तो 50 के 50 होंगे दो मार्क्स और इसमें पॉइंट है दो में इसका मतलब कि एक मार्क के क्वेश्चन में वन बाई फोर्थ जो है निगेटिव है बहुत मॉडरेट निगेटिव है इसका मतलब है कि आप गैस कर सकते हैं अब आइए क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं इसका जो पार्ट वन है वो जनरल नॉलेज है और पार्ट टू जो है वो आईआर की थ्योरी प्रैक्टिस है पार्ट वन बहुत ही अर्बिट है और इसको कैसे आप तैयारी करें मैं थोड़ी सी कहना चाहूंगा गाइड में मैंने कोशिश की है लेकिन उसको आपको सप्लीमेंट करना होगा क्योंकि ये बहुत आर्बिट जाते हैं पहला क्वेश्चन देखिए हु द द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द नॉवल द हंग्री घोस्ट अब ये देखिए नॉवल जो है दो में आया था और ये एग्जाम जो है दो में हो रही है तो ये करंट इवेंट जैसा है इसका मतलब क्या है कि इस समय में जो भी नॉवल साउथ एशिया के जो राइटर हैं वो निकाल रहे हैं उसको जरूर आप इंटरनेट पे खोजिए मैंने ये काम किया है लेकिन और आप कर सकते हैं और उसका क्या थीम है वो भी जानिए क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि उसके अंदर क्या बात है एक दो लाइन वो आपको बस पहला ही जो आप विकीपीडिया या किसी पर पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा उसमें क्या है उस कंटेंट क्या है तो जो हंगड़ी घोस्ट है ये लिखा है श्याम सेल्वा दुरई ने श्रीलंका के बारे में है जब श्रीलंका पूरा वो सिविल वॉर से जूझ रहा था तो कैसे एक आदमी जो श्रीलंका का है वो कनाडा में है और वो अपनी एकदम बहुत बूढ़ी ग्रैंड मदर मतलब दादी या नानी से मिलने के लिए अंतिम समय में आता है तो उसकी पूरी स्टोरी इसमें है द हंगड़ी घोस्ट ये देखिए अब यहाँ पे आगे कैसे वो पूछते हैं मंजूश्री थापा ने एक बुक लिखा द बॉय फ्रॉम स्किल्स द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ चंद्रा गुरुंग तो ये जो है चंद्रा गुरुंग के बारे में पूछ रहे हैं कि ये किसके बारे में ये जो है ये चंद्रा गुरुंग क्या करते थे ये वेल well नोन नेपाली हैं तो ये भी उस समय में न्यूज में होगा 2014-15 में तो चंद्रा गुरुंग जो है वो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं इकोलॉजिकल कंजर्वेशनिस्ट हैं उस उसपे उन्होंने नेपाल में काफी काम किया है वो अन्नपूर्णा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट उसमें भी उनका हाथ रहा है इसके बारे में पढ़ सकते हैं मैंने यहाँ फोटो भी दिया है तो ठीक है मतलब ये सब आप समझ सकते हैं कैसे तैयारी करनी है ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है आपको ये सोचना है कि अभी के समय में कोई नेपाल का कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है जैसे कि मान लीजिए अः अब्दुल्ला अब्दुल्ला शाहिद यस yes, उनका नाम देख लीजिएगा जो मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इस टाइप की यदि कोई नॉवल लिखा हो जो कहीं बहुत फेमस हो गई हो पाकिस्तान का बांग्लादेश का श्रीलंका का इस टाइप कोई भी किसी ने कुछ ऐसा काम किया हो जो साउथ एशिया में तो वो सब चीजों को आप देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द नेम ऑफ द कार्टून कैरेक्टर क्रिएटेड बाई यूनिसेफ फॉर एडवोकेटिंग गर्ल्स एंड चिल्ड्रंस राइट इन साउथ एशिया आप देखिए ये उस समय में एक सीरियल जो है दूरदर्शन पे और दूसरे टीवी चैनल पे दिखाया जाता था जिसमें कि जो है मीना नाम की एक फिक्सनल कैरेक्टर होती थी जो, जो, के के जो, के के जो करंट इवेंट है।, तो सब, सब है जो आप न्यूज में खोज खाज करके आप तैयारी कर सकते हैं मैंने आपके लिए कोशिश किया है ऐसे यू गाइड में लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि वो हो सकता है ना काफी हो क्योंकि ये बहुत अर्बिट पूछते हैं तो आप उसको और सप्लीमेंट कर सकते हैं नेट पे जाके डीप डाइव करके वेयर एमोंग द फॉलोइंग डिड द पीपुल सार्क रीजनल कन्वर्जेंस टेक्स प्लेस इन टू थाउजेंड फोर्टीन होता क्या था पहले सार्क मीटिंग के पहले एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने मतलब सिविल सोसाइटी ने बनाया था उसका नाम था पीपुल्स पीपुल्स सार्क ये पीपुल सार्क जो है एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन था सार्क के सभी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं लीडर्स हैं जो कि पॉलिटिक्स में डायरेक्ट नहीं हैं, जो ओपिनियन लीडर हैं मीडिया हैं साहित्यकार हैं उन सब को लेकर के जो है पीपुल सार्क बनाया गया था और उनका एक रीजनल कन्वर्जेंस कॉन्फ्रेंस होता था सार्क समिट के पहले जैसे 2014 में काठमांडू में हुआ था वो पहल लास्ट जो है सार्क की फुल समिट थी उसके बाद कभी हुआ नहीं आप समझिए 2016 में आप डेट देख लीजिएगा पाकिस्तान में होना था लेकिन वो उरी अटैक के चलते जो है टेंशन हो गया उसके बाद से आज तक समिट नहीं हो पाया और इंडिया ने अपना ध्यान एक तरह से हटा करके बिमस्टिक पे फोकस कर लिया तो वो जो सार्क समिट हुई थी काठमांडू में उसके पहले पीपुल्स सार्क रीजनल कन्वर्जेंस जो है वो हुआ था ये होता था उसके पहले और उस समय उसका जो था मोटो uh, जो था था स्लोगन मूवमेंट यूनाइटिंग साउथ एशिया फॉर डेमोक्रेसी सोशल जस्टिस एंड पीस ये अभी भी बहुत रिलेवेंट है ये तीन जो थीम है डीपनिंग डेमोक्रेसी साउथ एशिया में जरूरत है सोशल जस्टिस की भी जरूरत है और पीस तो बहुत ही जरूरत है इस एरिया अभी भी बहुत डिस्टर्ब है कई कारणों से तो ये जो है काठमांडू में हुआ था वहीं पे सार्क समिट भी हुई थी 2014 की लास्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम सार्क समिट कब हुई थी तो 2014 काठमांडू में विच द फॉलोइंग वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टर्न ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं मैंने जितना रिसर्च किया मुझे मिला कि बर्मा जो है जिसको अभी हम म्यांमार बोलते हैं उस समय में वो ब्रिटिश इंडिया का एक प्रोविंस जैसा था बर्मा और बंगाल प्रोविंस इंडिया में सबसे बड़ा था लेकिन उससे भी बड़ा थोड़ा सा जो है बर्मा का प्रोविंस था तो इसलिए सही आंसर इसमें मेरे अनुसार से बर्मा होगा वैसे आप और रिसर्च कर लीजिए क्वेश्चन मार्क का मतलब है और रिसर्च कर लीजिए कोलंबो पावर क्या था ये पूछा जा रहा है कोलंबो पावर किस ग्रुप के कंट्री का था अब ये एक बहुत ही छुपा हुआ क्वेश्चन है इवन इंटरनेट पे भी आपको प्रॉब्लम होगी खोजने में क्योंकि कोलंबो प्लान मिलने लगता है कोलंबो पावर जो है वो जब ये यहां पे मैंने दिया है पांच नेशन जिन्होंने कि 1955 का एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस में और ऑर्गेनाइज किया था इंडिया इंडोनेशिया बर्मा पाकिस्तान ये पांच के ग्रुप को कोलंबो पावर कहते हैं जो कि नाम नाम की एक तरह से नाम के भी लीडर थे और साउथ एशिया में या कहिए साउथ ईस्ट एशिया में बातों को कैसे सुलझाया जाए बिना वेस्टर्न पावर के इन्फ्लुएंस के ये इनका प्रयास था तो ये यहाँ पे आ गया द पोस्ट कोलोनियल स्टेज इज स्टेट इज ओवर डेवलप्ड किसने कहा है देखिए पहले तो इसमें क्या होता है पोस्ट कोलोनियल स्टेट उसको बोलते हैं श्रीलंका है। जो, जो, तो जो भी आजाद हुए दर्जनों दर्जनों एशिया अफ्रीका के कंट्री आजाद हुए वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो उनको पोस्ट कोलोनियल स्टेट बोलते हैं अब यहाँ पे जो ऑथर है उसको नाम अभी बताएंगे हम वो कहते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट ओवर डेवलप्ड है ओवर डेवलप्ड का मतलब ये है कि ये जो स्टेट है वो कॉलोनियल पावर ने उसको एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के तौर पे एकदम डेवलप कर दिया जो कि वहां के समाज से बिल्कुल कटा हुआ है वहां का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका वो पार्ट ही नहीं है वहां के जो मान लीजिए जो इलीट्स हैं वो थोड़े बहुत तो उसमें हैं उस स्टेट में लेकिन बाकी जितने लोग हैं उसको कोई मतलब भी नहीं कि कैसा स्टेट है तो ऐसा स्टेट जो पहले से ही फुल्ली डेवलप्ड है बिना वो अकोमोडेट किए हुए उस सोसाइटी के स्ट्रक्चर को उसके क्लास को उसके कम्युनिटीज को वैसे स्टेट को ओवर डेवलप्ड स्टेट बोलते हैं विस विस द सोसाइटी और ये कहने वाले जो हैं हमजा अलवी है कि ये में बहुत पूछा जाता है तो आपको इस बार ये ना पूछ के ये पूछा जा सकता है भूटान कब जो है यूनाइटेड नेशन का आ, मेंबर बना ये क्वेश्चन एस का बहुत फेवरेट है ये हमेशा पूछेंगे कभी पूछेंगे भूटान कब कभ बना कभी मालदीव इसलिए मैंने पूरा ही दे दिया यहाँ पे इसको सीधा रट जाइए कब सार्क के नेशन कब कब यूनाइटेड नेशन के बने इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर इसलिए मैंने नहीं लिखा है आप यहाँ इसको आप 1945 कर दीजिए जून में ही इसने साइन कर लिया था सैन फ्रांसिस्को में 50 कंट्री ने साइन किया था बाद में पोलैंड ने इक्यानवे कंट्री फिफ्टी फर्स्ट कंट्री के तौर पर ज्वाइन किया तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिफ्टी फर्स्ट कंट्री टू ज्वाइन यूएन चार्टर इन uh, 1945 ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएन चार्टर को साइन करने वाले कितने कंट्री थे जो उन्होंने पहली बार साइन किया मतलब फर्स्ट ग्रुप ऑफ कंट्री कितने थे 50 थे 50 कंट्री ये भी पूछा जाता है कि क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं तो यस इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर है क्योंकि इसने पचास उस कंट्री में शामिल है और उस समय इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था ये बात याद रखिएगा ब्रिटिश इंडिया था सो इट इज 19 भूटान आप देखिए कब है 1971 नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए हु अमॉंग द फॉलोइंग जूरिस्ट फाउंड द डिफेंडेंट्स नॉट गिल्टी ऑफ चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट देम एट द टोक्यो ट्रिब्यूनल ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं मैंने नहीं देखा अभी ये इतना आर्बिट क्वेश्चन है इसका पूछे जाने का कोई चांस नहीं है आपको यदि इंटरेस्ट है तो आप देख लीजिएगा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री विल होल्ड द सार्क समिट इन टू अब उस समय में दो का क्वेश्चन है तो उस समय में सार्क समिट होने की आशा थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई नहीं वो कभी हुई ही नहीं उसके बाद से कभी नहीं हुई ये भी आपको याद होना चाहिए ये भी पूछा सकता है कि सार्क समिट नहीं होने का कारण क्या है तो उसमें जें जेनर, मतलब जनरल जो रीजन लोग देते हैं वो इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन है पॉलिटिकल जो कंफ्लिक्ट है जो अच्छी रिलेशन नहीं है वो बन गया सार्क के एक तरह से डोरमेंट होने का अब चूंकि सार्क डोरमेंट है तो इंडिया ने अपनी सारी एनर्जी मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ बिमस्टिक पे लगा दिया है अब पार्ट बी आता है जिसमें कि आईआर की थ्योरी और प्रैक्टिस थ्योरी बहुत आसान है लेकिन इसके जो प्रैक्टिस पार्ट है मतलब जिसमें कि बुक्स एंड ऑथर है वो बहुत अरबिट है इसमें भी काफी अरबिट है लेकिन वो रिपीट करते हैं इसलिए आप अभी जान लीजिए द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेजमनी वॉज प्रोपाउंडेड बाई ये क्वेश्चन uh, मेरे स्टूडेंट के लिए आसान होना चाहिए यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो कितनी ही बार उन्होंने डिस्कस किया है कल्चरल हेजमनी या हेजमनी का कॉन्सेप्ट जो एंटेनियो ग्राम्सची ने दिया है एंटेनियो ग्राम्सची जो है वो एक मार्क्सिस्ट थिंकर थे इटली में मुसोलनी के टाइम में 1920s 30s में इनको 28 में सब लगभग इन्होंने लिखा था प्रिजन नोटबुक लिखा था मतलब इनको जेल में डाल दिया गया था मुसोलनी फासिस्ट रेजिम के दौरान तो वहां पर उन्होंने प्रिजन नोटबुक लिया तो उसमें उन्होंने कल्चरल हेजमनी का कॉन्सेप्ट दिया कल्चरल हेजमनी का मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि उन्होंने ये कहा कि जो जो मार्क्स नहीं विजुअलाइज कर पाए थे कि जो असली लड़ाई होती है डोमिनेंस का वो बेस में नहीं होता बेस मतलब कि जहां इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जहां मोड ऑफ प्रोडक्शन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो मार्क्स बोलते थे बेस उनका कहना था कि असली जो लड़ाई होती है ना ये बेस में नहीं होकर के ये सुपर स्ट्रक्चर में होती है सुपर स्ट्रक्चर में एस में होती है और सुपर स्ट्रक्चर में सिविल सोसाइटी होता है जो कि अभी जिसको हम समझते हैं जो गवर्नमेंट नहीं है जो मीडिया है ओपिनियन लीडर है एनजीओज है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इंटेलेक्चुअल्स uh, है वहां पे वो लड़ाई होती है और वो जिसके तरफ होता है ना उसी का डोमिनेंस होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि आइडियोलॉजी के थ्रू जो है वो कैपिटलिस्ट रेजिम को सर्वमान्य बनाते हैं एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट होता है मतलब वो ऐसी किताबें लिखेंगे ऐसा टेलीविजन सीरियल बनाएंगे ऐसा नॉवेल लिखेंगे ऐसा त, राइटिंग में लिखेंगे या ऐसी टीवी पे बयान देंगे या इस तरह का डिस्कोर्स क्रिएट करेंगे जिसमें ये बताया जाएगा कैपिटलिज्म अच्छा है जैसे फ्रांसिस फुकवामा का एंड ऑफ हिस्ट्री सॉर्ट ऑफ और उससे जो है जो लेबर क्लास है वो सोचेगी कि कैपिटलिज्म ही नेचुरल सोशल अरेंजमेंट है इसको कल्चरल है बोलते हैं मतलब जब आप इस तरह से अपना आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी उस क्लास पे जमा लेते हैं जिसको आपको डोमिनेट करना है जिससे कि वो क्लास को लगे कि जो हो रहा है वही नेचुरल है मतलब जो डोमिनेंस नहीं है उसको लगे कि ये जो सोशल अरेंजमेंट है रिलेशन ऑफ सोशल uh, रिलेशन है वो ही नेचुरल है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ जहां ब्राह्मनिकल जो कहिए डिस्कोर्स था थ्रू उसने ऐसा बनाया कि जो दलित हैं अनटचेबल्स हैं उनको लगा कि अनटचेबिलिटी ही नॉर्मल है और टचेबिलिटी जो है वो एक्सेप्शन है इस टाइप का हेजमनी और वो सैकड़ों सालों तक जो है वो आपके डोमिनेंस को बनाए रखती है बिना किसी मारपीट के बिना किसी वायलेंस के ये सारा कॉन्सेप्ट एंटोनियो ग्राम्स ने दिया

जो न्यू रियलिज्म है वो ये मानता है कि आईआर की थ्योरी बेस्ड होनी चाहिए केवल इस बात पे कि जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम है या जिसको इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम कहते हैं वो एनार्किकल है उसमें कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है मतलब तो सेल्फ हेल्प है सर्वाइवर के लिए बस आपको अपना ही हेल्प है किसी के पास आप जा नहीं सकते हैं इसके अलावा जो कैपेबिलिटीज और पावर है उसमें ग्रेट वेरिएशन है स्टेट टू स्टेट जबकि कहने को लीगली बराबर है तो ये दो फैक्टर एनार्किकल Uh, structure of the international system state system and great variability and distribution of power and capability among a state that creates the situation what it is realism yeah तो इसमें जो है वो फॉरेन पॉलिसी जो डोमेस्टिक होती है उसको बिल्कुल वो छोड़ देते हैं मतलब उनका मानना है कि ये स्ट्रक्चर में हर स्टेट एक ही जैसा बिहेव करता है लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी को तवज्जो देते हैं या वैल्यू देते हैं उनका कहना है कि हर स्टेट का जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो रोल होता है वो उसके फॉरन पॉलिसी का फंक्शन होता है तो यदि हम फॉरन पॉलिसी को नहीं समझेंगे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएंगे आप और इसको चेक कर लीजिएगा हु इज द फॉलोइंग अब यहां पे दूसरे दूसरे जो थिंकर चलिए इसके बारे में जाते हैं हांस मार्गेंथई को जो है फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज क्लासिकल रियलिज्म कहते हैं इन्होंने अपने पॉलिटिक्स नेशन में छह जो है सेमिनल प्रिंसिपल दिए क्लासिकल uh, रियलिज्म uh, के सॉरी मैं लिबरलिज्म बार बार बोल रहा हूँ हेडली बुल जो है वो इंग्लिश स्कूल के एक तरह से फाउंडिंग मेंबर कह सकते हैं मेन थिंकर इंग्लिश स्कूल वो है जो इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम को एक इंटरनेशनल सोसाइटी के तौर पे देखता है जो, जो एक पर्टिकुलर सोशल नॉर्म वैल्यू और इथिक्स के मद्देनजरिया काम करती है जोसेफ ने जो है इन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट दिया है ये न्यू रियलिज्म के एक तरह से फादर माने जाते हैं रॉबर्ट कोहेन के साथ में इन्होंने बुक लिखा है सॉफ्ट पावर हुए

अर्बिट क्वेश्चन है ये अर्बिट क्वेश्चन नहीं है ये यह यहाँ पे पहली बार इंटरनेशनल रिलेशन का एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़ाई शुरू हुई थी पूरे दुनिया में कहीं इससे पहले नहीं हुई थी मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम उनकी बात होगी और उस समय में वहां पे जो वुड्रो विल्सन चेयर समझिए इतना प्रेस्टिजियस था मतलब कि वो वो पोस्ट प्रोफेसर का और उसको पहली बार जो होल्ड किया वो अल्फ्रेड जिमेन जी, जिमेन थे जीमर्न जिमर्न कह लीजिए अल्फर्ट जिमर्न अल्फर्ट जिमन कौन थे एक प्रोमिनेंट लिबरल इंटरनेशनलिस्ट थे ब्रिटिश जो कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो वर्ड है

चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए हु अमॉंग द फॉलोइंग स्कॉर्स इज एन एक्सपोनेंट ऑफ द सिस्टम अप्रोच अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिस तरह से कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में डेविड जो है वो पाइनियर है सिस्टम अप्रोच के उसी तरह से मॉर्टन कैप्लान जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में सिस्टम अप्रोच के मेन प्रोपोनेंट है इसको सीधा याद कर लीजिए इससे और भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने जो है आ, 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 जो वर्ल्ड का जो सिस्टम है पोलरिटी के टर्म में जैसे टाइट बोले टाइट बाइपोलरिटी लूज बायोपोलरिटी यूनिपोलर या यूनिवर्सल पोलर ये उन्होंने इस तरह का सीक्वेंस में दिया था वो किस सीक्वेंस में था मैंने कई जगह बताया है नेट पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं मॉर्टन का प्लान मार्टिन व्हाइट को यहाँ जान लीजिए ये इंग्लिश स्कूल के बहुत ही प्रमुख स्तंभ हैं मेन थिंकर हैं जिन्होंने की तीन जो uh, धारा थी uh, जो हॉब्स की थी जो ह्यूगे ग्रोटियस की थी और कांत की थी इन तीनों को रैशनलिज्म को रिवोल्यूशनिज्म को आ, उन्होंने जो है तीन धारा को जो है उन्होंने आ, मिलाया था रियलिज्म जो हॉब्स का लेकर के और एक सिंथेटिक जो है आईआर की थ्योरी इंग्लिश स्कूल के

मेमोअर मैडम सेक्रेटरी अब आप समझिए कि ये तो जरूर किसी ऐसे लेडी के बारे में होगा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही होगी क्योंकि ये पूरा अमेरिका का है और सही में वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी मैडलिन अल्बर अल ब्राइट जो कि क्लिंटन के जमाने में जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी आपको ये पता होना चाहिए कि यूएसए uh, में जो फॉरेन मिनिस्टर होता है उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं ये यूके से इन्होंने लिया है तो ये समझ लीजिए एक तरह से अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर थी जब क्लिंटन राष्ट्रपति थे और उन्होंने अपना मेमोयर लिखा है मैडम सेक्रेटरी के नाम से उसके बारे में और यहाँ पे पढ़ लीजिए विद इन द रियलिस्ट अप्रोच जॉन मैर्सियमर इज रिगार्डेड जॉन मैर्सियमर को क्या माना जाता है रियलिज्म में ये भी यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको जरूर पता होगा कि जॉन मर्सिमर को ऑफेंसिव नियोरियलिज्म का एक तरह से प्रोपोनेंट माना जाता है सो ऑफेंसिव रियलिस्ट है ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिस्ट क्या होता है ऑफेंसिव रियलिस्ट ये मानता है कि जो स्टेट है वो हेजेमनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में मतलब इसका कहने का मतलब है कि स्टेट अपने पावर को विसेस विस अदर स्टेट बढ़ाना चाहता है बढ़ाते जाना चाहता है बढ़ाते इस तरह से बढ़ाना चाहता है कि वो हेजमन हो जाए मतलब उसको कोई जो है आंख उठाकर देख नहीं पाए जैसे चाइना की पॉलिसी है इंडो पैसिफिक में जैसे अमेरिका की पॉलिसी रही है वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर के बाद जैसे कि जर्मनी की पॉलिसी थी इंटर वॉर पीरियड में जैसे इंग्लैंड की पॉलिसी थी बिफोर वर्ल्ड वॉर वन तो उस टाइप का जो है मतलब पावर मैक्सिमाइजर स्टेट पावर मैक्सिमाइजर बनना चाहता है जो डिफेंसिव रियलिस्ट है वो कहते हैं कि नहीं स्टेट का मेन एम होता है अपने को करना, ना कि पावर को बढ़ाना इसलिए वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर होते हैं इसको डिफेंसिव रियलिस्ट बोलते हैं जैसे रॉबर्ट जर्विस को आप डिफेंसिव रियलिस्ट मान सकते हैं ब्लेज कॉम्पेयर एक अफ्रीकन कंट्री के प्रेसिडेंट थे जो सत्ताईस साल तक उस कंट्री के प्रेसिडेंट रहे तो उस कंट्री का नाम था बुरकीना फैसो और ये है मिस्टर ब्लेज कॉम्पर उस समय में चूंकि चौदह में इलेक्शन हुआ था तो इससे क्या आपको टिप्स मिलता है कि अभी दो हजार इक्कीस में जिस जिस कंट्री का अफ्रीका एशिया में इलेक्शन हो रहा है जैसे कि अभी आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन होने वाला है मई में, में फ्रांस में इलेक्शन अभी हुआ है मैक्रोन जीते हैं इसी तरह से हंगरी में भी इलेक्शन होने वाला है सर्बिया में इलेक्शन होने वाला है तो जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं इस दौरान में पाकिस्तान में भी सक, अभी पीएम बदले हैं तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए यहां जैसे श्रीलंका के पीएम को भी अभी रिजाइन करने की नौबत आ गई है इकोनॉमिक क्राइसिस आपको पता होना चाहिए द डर्टी वॉर ये क्या है

तो वो जो है अर्जेंटीना में स्पेशली यूज किया गया था ये डर्टी वॉर आप पढ़ सकते हैं वो क्या था ये स्टेट टेररिज्म था अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के किस समय में था इसको आप ठीक से पढ़ लीजिए तो अर्जेंटीना अच्छा क्वेश्चन उस फिर रिपीट हो जाए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए द दे फर्स्ट प्रोसिक्यूटर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज अब ये भी मैंने आपके लिए छोड़ दिया है क्योंकि ये इतना आर्बिट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में जरूर जान लीजिए ये आपको हमेशा पूछा जाता है आईसीसी शॉर्ट में बोलते हैं

तो ये सारी चीजें जो हैं इससे पूछी जाती हैं हु on Copenhagen रोट द की टेक्स्ट ऑन New Framework ए न्यू फ्रेमवर्क बुक किसने लिखा है ये बुक जो है कोपेनहेगन स्कूल के तीन जो फाउंडर हैं बैरी बुजोन वेबर एंड जैप डी वोल्डे ने मिलकर के लिखा है ऑल ऑफ them। यहाँ पे एक टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं लगातार है, तो आपको पता होगा मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि ऑल ऑफ दैम यदि है और यदि आप कंफ्यूज हो तो गो विथ ऑल ऑफ देम वही सही होता है यहाँ पे एक बात और मैं बताऊंगा कोपेन हैगन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन क्या है कोपेन हैगन स्कूल जो है वो सिक्योरिटी स्टडी करता है कोपेन हैगन डेनमार्क में है उसको नॉन मिलिट्री और नॉन स्टेट के टर्म में सिक्योरिटी को वो स्टेट से बाहर ले जाता है उसका कहना है कि सिक्योरिटी स्टेट की सिक्योरिटी नहीं है उसमें रहने वाले पीपल की सिक्योरिटी अभी आपने डर्टी वॉर में देखा कि स्टेट खुद अपने पीपल के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है तो जो कोपेन स्कूल है वो दो प्लेन पे ले जाता है सिक्योरिटी को एक नॉन स्टेट इशू ऑफ सिक्योरिटी एंड नॉन मिलिट्री इशू ऑफ सिक्योरिटी जैसे कि कोई भूख से मर रहा है तो वो भी सिक्योरिटी का इश्यू है कोई कास्ट के वायलेंस से मर रहा है वो भी सिक्योरिटी इशू है कोपेन हैगन स्कूल के नजरिए से इसके सबसे बड़े थिंकर बैरी बुजोन है और ये तीनों ही इसके फाउंडर है

EU, ये सब जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसके मेंबर गवर्नमेंट होते हैं इंडिविजुअल नेशन स्टेट होते हैं नॉन स्टेट एक्टर नहीं होते हैं जबकि एनजीओ वो होते हैं जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में है लेकिन रेड क्रॉस एक अजीब सी संस्था एम्फीवियन है मतलब कि जो धरती और पानी दोनों में रहती है मतलब डुएल नेचर है इसका कि कई बार ये आईजीओ की तरह बिहेव करती है और कई बार एनजीओ की तरह बिहेव करती है इसलिए ये दोनों का मिक्स है ये भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैज द मोटो वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी यस यू कैन गेस मुझे लगता है आपने गेस कर लिया हो क्योंकि ये चूंकि एशिया के बारे में ज्यादा पूछते हैं सार्क का तो ये है नहीं ई यू एयू को छोड़ दीजिए अफ्रीकन यूनियन क्यों पूछेगा तो आप एशियन को गेस कर सकते हैं और वही इसका है अब जैसे ईयू का है यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी तो इस टाइप का सभी जो ऑर्गेनाइजेशन रीजनल हैं, सार्क का भी मोटो आप देख सकते हैं ये मैंने गाइड में दिया हुआ भी है तो इस तरह का चीजों को याद कर लीजिए ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है पूछा जाना द पोवर्टी ऑफ थ्योरी एक डाउटफुल पहला बार जो है डाउटफुल क्वेश्चन है डाउटफुल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि पोवर्टी ऑफ थ्योरी जो है आप नेट पर जाएंगे तो ई पी थॉम्सन जो है उनकी ये बुक है और उसके अलावा कुछ मिलती नहीं है जो यहाँ पे और है रिचर्ड एसले ने लिखा है पोवर्टी ऑफ न्यूरियलिज्म स्टीफन क्रेजनर की बुक जो है इंटरनेशनल रेजिम जरूर आपको पता होनी चाहिए उन्होंने इंटरनेशनल रेजिम के काफी सारे बेसिस दिए हैं वो पूछा जाता है लुई एल्थ्यूजर ने लिखा है आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटर्स जो कि बहुत ज्यादा मिलता जुलता है कल्चरल है जो अभी मैंने आपको ग्रेम्स जी का बताया उसके रॉबर्ट कॉक्स जो एक क्रिटिकल थिंकर माने जाते हैं उन्होंने लिखा है प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर ये उनकी सबसे सब इसब, ये सब बुक जो है सेमिनल बुक है मतलब मेन बुक है उनकी वैसे तो उन्होंने और इन लोगों ने लिखा है ये सब बुक को तो पहले याद कर लीजिए और इन, इसमें से कोई मुझे नहीं लगता कि खोज पाया मैं कि क्वेश्चन छोड़ जाता हूं लॉ ये क्वेश्चन में कोई है, नहीं बहुत आसान क्वेश्चन है ये है कि जस्ट वॉर का थ्योरी दिया था इंटरनेशनल लॉ का भी दिया लॉ मतलब वॉर में क्या क्या होना चाहिए किस आधार पे वॉर होता है ये सब इसके बारे में है कई जगह मैंने दिया है इसको गाइड में भी दिया है पढ़ लीजिए द डिसिप्लिन ऑफ वेस्टर्न सुप्रीमेसी इज ऑथर्ड बाई तो ये बुक को आप देख लीजिए एक बुक था Modes of Foreign मतलब ये 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 इसमें कीज पीजी, ये जो ये क्या कहते हैं इनका आर्गूमेंट ये है कि पूरी दुनिया में जो अभी इंटरनेशनल रिलेशन की जो पढ़ाई होती है या उसकी जो समझ है वो यूरोसेंट्रिक है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के नजरिए से हम इंटरनेशनल रिलेशन को अभी भी देखते हैं इवन जो पोस्ट कोलोनियल स्टडी है या सारा जो है या जो फॉरेन रिलेशन के भी जो पैरामीटर्स uh, हैं जो पैराडाइम है वो सब वेस्टर्न वर्ल्ड uh, की सुप्रीमेसी uh, को साबित करते हैं क्योंकि उसी के सांचे में ढला हुआ है कैसे निगोसिएशन होगा कैसे ट्रीटी होगी कैसे कन्वेंशन होगा कैसे कोवेनेंट होगा ये सब जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के ही uh, uh, का जो वर्ल्ड व्यू है उनकी जो थॉट प्रोसेस है उनकी जो स्ट्रक्चर है सोशल उसको ही कंफॉर्म करते हुए हो रहा है ये उनका

स्टेट को है और वो लेजिटिमेट है एज पर रूल है बाकी जो चलाएंगे वो इलेजिटिमेट है उनको जेल भेज सकता है स्टेट को कोई जेल नहीं भेज सकता है यदि वो डंडा चलाता है तो यदि माथा फोड़ता है तो इवन स्टेट गोली चलाता है तो तो ये मोनोपोली ऑफ वायलेंस है ऑफ कोर्स फॉर जस्ट कॉज नहीं तो फिर कोर्ट में लोग जाते हैं लेकिन उसका भी आप जानते हैं सो so, ये कहने वाले जो थे

इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि डिप्लोमेसी आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में हर स्टेट अपना डिप्लोमैट रखता है जो कि कि बातचीत करते करते हैं हैं जिसमें नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए अपनी डिफरेंट से ये डिप्लोमेसी है वो एम्बेसिडर कहलाते हैं कई कई जगह जगह और कंसुलेट में होते हैं कई कई नाम से वो जाने जाते हैं बेसिकली uh, इसमें इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि वो दो लेवल पे काम होता है एक नेशनल लेवल पे जहां पे कि एक ओपिनियन बनाया जाता है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट किन बातों से सुरक्षित रह सकता है और इंटरनेशनल लेवल पे जो है उन इंटरेस्ट को जो है वो विनिंग सेट बनाया जाता है कि हम इसके ऊपर नहीं झुकेंगे और डिप्लोमेट का काम होता है कि जो डोमेस्टिक कंसेंसस बना है उसको इंटरनेशनल रिलेशन पे दूसरे कंट्री के साथ मनवाया जाए अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहने वाले रॉबर्ट पटनम थे रॉबर्ट पटनम ने जो है कई जो है किताबें लिखी है आप उसको और जाकर के देख लीजिएगा रॉबर्ट पट्टनम का जो बुक है लेकिन उन्होंने टू लेवल गेम थ्योरी जो दिया इसके चलते वो सबसे ज्यादा वो जाने जाते हैं आई में अब यहाँ पे देखिए रोसेनो का यहाँ जिक्र आया है जेम्स रोसेनो का तो उन्होंने जो बुक लिखे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको एक बार रट जाइएगा इसके अलावा कैरोल कोहेन का यहाँ जिक्र आया है ये एक फेमिनिस्ट आई थिंकर थी उन्होंने वेमेन एंड वॉर इस इसपे काफी जो है काम किया बुक भी लिखा है और थॉमस रेजे जो है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ट्रांसनेशनल रिलेशन और ह्यूमन राइट पर उन्होंने काफी काम किया ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है

इसमें उनका मेन आर्गुमेंट था कि मिसाइल जो क्राइसिस हुई थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का मेन कारण ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स था जिस तरह से यूएसए में ब्यूरोक्रेसी एक्ट करती है कैसे वो डिसीजन लेती है कैसे कम्युनिकेट करती है उसमें जो फ्लॉ था उसको उन्होंने उसका कारण बताया था हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स लिव्ड फ्रॉम 1818 1818 टू 1883 अब ये तो क्या क्वेश्चन है लेकिन चलिए ठीक है ये इसलिए नहीं है कि ये इतने महान थिंकर के बारे में है कि उनका जन्म और मृत्यु का ईयर आपको याद रहना चाहिए ये है ग्रेट कार्ल मार्क्स यहाँ पे जो है आ, कार, कार्ल पोलियनी का जिक्र आता है इन्होंने काफी सारे नॉलेज पे इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं तो इसको पढ़ सकते हैं जोसेफ सुन पीटर का जिक्र आता है जिन्होंने की Uh, मुझे लगता है एक बुक था सोशलिज्म डेमोक्रेसी इन कैपिटलिज्म इस टाइप का कुछ बुक था आप देख लीजिएगा मैंने कई जगह बताया सुमपीटर क्यों जाने जाते हैं कि ये क्लासिकल डेमोक्रेसी के क्रिटिक रहे हैं इनका कहना है कि डेमोक्रेसी का जो क्लासिकल व्यू है कि इट इज द रूल बाई पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल बकवास है उनका कहना था कि डेमोक्रेसी एक सिंपल पॉलिटिकल मेथड है जिससे कि हम पीरियोडिक इलेक्शन के थ्रू अपने रूलर को चुनते हैं दैट्स ऑल तो ये बहुत इलेटेस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी माना गया था जोसफ सुमपीटर का हु हुआ

जो लैंग्वेज है रिसर्च का जो उसका मेन बिलीफ सिस्टम है जो मेन पैरामीटर्स हैं जो मेन तरीके हैं प्रोसेस है रिसर्च मेथोडोलॉजी उस पर एका होती है उसको पैराडाइम बोलते हैं और उनका ये कहना था कि साइंटिफिक रिवोल्यूशन तब होता है जब पैराडाइम चेंज होता है अदरवाइज वो एक नॉर्मल साइंस है जबकि मतलब एक ही पैराडाइम में जब एक थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी आती है जैसे न्यूटोनियन क्लासिकल पैरा पैराडाइम था उसके अंदर में जितनी थ्योरी आएगी वो सब मतलब कि नॉर्मल साइंस है जब वो नॉर्मल तब होती है जब पैराडाइम शिफ्ट होता है जैसे क्वांटम मैकेनिक्स जब आ गई जब आइंस्टीन ने जब क्वांटम मैकेनिक्स का दिया तो, तो पूरा पैराडाइम बदल जाता है तो हमस्कन कार्ल पॉपर ने जो है वो फॉल्सिफिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था कि साइंटिफिक थ्योरी केवल वही है जिसको कि फॉल्सिफाई किया जा सकता है जिस थ्योरी को आप फॉल्स नहीं कर सकते टेस्ट करके वो जो है एक तरह का प्रोवर्व है इडियम है कॉमन सेंस है आइडियोलॉजी है थ्योरी नहीं है फॉल्सिफिएबिलिटी इमरे लाकोटास जो है इनका भी जो है इनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है एक हंगेरियन फिलोसफर थे मैथमेटिक्स के और साइंस के इन्होंने भी दिया था फैलिबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ प्रूफ्स एंड रेफ्यूटेशन ये भी कई बार पूछा जाता है किसने दिया था प्रूफ्स एंड रेफ्यूटेशन एंड पॉल फेरे बैंड के बारे में भी यहाँ पे मैंने दिया है आप पढ़ लीजिए ये सब सब कहीं ना कहीं आपको पूछा जाता है इसलिए कार्ल कार्ल तो बहुत पूछा जाता है की एक बुक थी एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी जिसमें उन्होंने मार्क्स प्लेटो और हेगल को करा दिया था ओपन सोसाइटी का क्योंकि वो उनमें टोटेलिटेरियन थॉट उनके थिंकिंग में थे ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है थर्टी टू नंबर क्वेश्चन देखिए नियो क्लासिकल रियलिज्म जो कि अभी बहुत फ्लेवर में है फरीद जकरिया

कार के बारे में आप जानते हैं क्लासिकल रियल रियलिस्ट जिन्होंने ईयर क्राइसिस लिखा था इंटरवॉर पीरियड में मैंने आपको बताई दिया जॉन है क्लासिकल रियलिज्म अब यहां आइए 33 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट डज विवेकर्स बुक टाइटल पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी एंड द स्पेक्टर ऑफ कैपिटल एडवांस बेसिकली इस बुक में चिबर जो हैं ये कहते हैं कि जो पोस्ट कोलोनियल थ्योरी है वो खुद जो है वो वेस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू पैराडाइम से गाइडेड होती है वो ट्रूली ऑटोनमस नहीं है और वो सब अल्टर्न जो थ्योरी है उसको बिल्कुल वो क्रिटिसाइज करते हैं इसमें तो ये सब तो बिल्कुल उल्टा है इनफेलेबल नहीं फेलेबुल बेसिकली वो ये कहते हैं कि यूनिवर्सल थ्योराइजिंग कैन बी डन यदि हम यूरोम को हम हटा दें तो ये बेसिकली कहते हैं तो आप इसको और पढ़ लीजिएगा हु द फॉलोइंग स्टडीड स्टेट्स एंड सोशल ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है थेडा का जिसमें वो कहती हैं कि फ्रांस रसिया और चाइना में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसका कंपैरिजन किया जा सकता है अलग अलग टाइम में हुआ लेकिन उसकी कंपैरिजन कंपैरेटिव स्टडी की बहुत अच्छी बुक है रिवॉल्यूशन की भी बहुत अच्छी बुक है थेडा थे यहाँ पे आरेंट एंड का है तो मैंने यहाँ उनके बारे में काफी कुछ लिखा है अब आप पढ़ लीजिए क्योंकि नहीं तो वीडियो अब लंबा हो रहा है सैमुअल हटिंगटन को हम लोग जानते हैं आपको पूछा सकता है कभी भी क्योंकि ये हर एग्जाम पूछा जाता है इन्होंने लिखा था क्लास ऑफ सिविलाइजेशन जिसमें इन्होंने ये थेसिस दिया था कि ट्वेंटी सेंचुरी में जो वॉर होगा वो नेशन स्टेट के बीच में नहीं होकर के वो सिविलाइजेशन या कल्चरल वॉर होगा इसको नाइन इलेवन में जब अलकायदा ने अटैक किया अमेरिका पे तो कई लोगों ने कहा कि सैम हटिंगटन की बात जो है वो सही साबित हो रही है इस इन्होंने जो है इसको जो, जो मिडिल ईस्ट है उसको उन्होंने रिंग ऑफ फायर का नाम दिया था कि वो एक कल्चरल एक मतलब ये बन रहा है एक पोल बन रहा है अगेंस्ट द क्रिश्चियन कल्चर गैब्रियल अलमेंट जो है वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के पितामह माने जाते हैं ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के भी फादर माने जाते हैं डेविड स्टन के सिस्टम अप्रोच को लेकर के और इन्होंने जो है आलमंड और वर्बा ने जो है पॉलिटिकल कल्चर पे भी बहुत सारा काम किया है इनके सिविक कल्चर 1963 की बुक के बारे में काफी कुछ पूछा जाता है जिसमें पांच कंट्री को लेकर के इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की थी इंपेरिकल स्टडी टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल कल्चर कॉन्सेप्ट उसके बारे में आप सब कुछ पढ़ लीजिए कि कौन वो पांच कंट्री थे इन्होंने किस तीन टाइप के पोलिटिकल कल्चर का जिक्र किया था एंड ऑल

रोजा लंगजम वर्ग जो है वो एक मार्क्सिस्ट थिंकर है हाना आर्डेंट जो है एक जुइस थी थिंकर ये फेमिनिस्ट नहीं थी याद कीजिएगा जो कि अमेरिका चली गई थी इन्होंने पावर का वो डेफिनेशन दिया था कि पावर जो है वो स्पीच और डायलॉग के थ्रू जब एक ग्रुप मिल करके को क्रिएट करता है तो पावर है तो उन्होंने पावर ओवर या पावर पावर ओवर के बजाय पावर विथ दिया था पावर टू क्रिएट दिया था पावर ग्रुप में रिसाइड करती है पावर मिल करके कुछ नया करने का नाम है इसके अलावा आना आडेंट जो है ये टोटलिटेरिनिज्म पर उन्होंने काफी बुक लिखा था स्टीवन लुकस इज क्रेडिटेड विथ क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थीम स्टीवन लुकस का ल्यूक्स कह लीजिए स्टीवन ल्यूक्स का जिक्र आते ही आपको जो है पावर का पावर का जो थर्ड डायमेंशन है वो याद आना चाहिए उन्होंने एक बुक लिखा था 1974 में पावर ए रेडिकल व्यू इसमें उन्होंने जो रॉबर्ट डहल का जो पावर का डेफिनेशन था वो और जो बाड़ा और बाराक का जो पावर का सेकेंड डायमेंशन था वो उसमें उन्होंने थर्ड डायमेंशन ऐड किया था और ये थर्ड डायमेंशन लगभग वही था जो एंटेनियो ग्राम्स्ची ने अपने कल्चरल हेजोमनी में दिया था उनका कहना था कि सबसे जो इंसीडियस मतलब सबसे जो एक तरह का छुपा हुआ और दुष्ट और भयानक फॉर्म ऑफ पावर है वो जब आप हेजोमनी स्टेब्लिश कर लेते हैं उनके ऊपर जिसको आप डोमिनेट करते हैं तो जिसको आप डोमिनेट करते हैं उसको सब कुछ नॉर्मल नजर आता है उसको समझ भी नहीं आता है कि आप डोमिनेट कर रहे हो खुशी खुशी आपको डोमिनेट होने देता है ये व्यू तो जो है रेडिकल व्यू था पावर का इस बुक में स्टीवन लुक्स ने कहा इसको थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर भी कहते हैं कैपिटल इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी जो है एक बहुत ही सेमिनल बुक है इस बुक को कभी भूलिएगा मत लिखा था थॉमस पिकेटी ने उसमें उन्होंने बेसिकली मैंने लिख तो यहाँ दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इनिक्वलिटी कब आती है किसी नेशन स्टेट में या वर्ल्ड में

थर्टी एट नंबर क्वेश्चन देखिए जॉन एग्न्यू जैसे ही जॉन एग्न्यू का जिक्र में और टेरिटोरियल ट्रैप को याद करना चाहिए एज ए थिंकर यदि आप ये सोचते हैं कि जो स्टेट है वो एक फिक्स्ड यूनिट है एक टेरिटोरियल सोवरेन स्पेस में जो कभी बदलता नहीं है टाइम से तो आप गलती कर रहे हैं यदि आप ये कह रहे हैं कि यदि आप फॉरेन पॉलिसी को यदि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से नहीं मिक्स करेंगे तब भी आप गलती करेंगे वो दोनों अलग अलग नहीं है और यदि आप टेरिटोरियल स्टेट को उसके सोसाइटी का आप रखवाला मान लेंगे कंटेनर मान लेंगे कि वो जो सोसाइटी है वही स्टेट है नो no. जो सोसाइटी स्टेट के अंदर रहती है उसके अलग एस्पिरेशंस हो सकते हैं उसके सिक्योरिटी कंसर्न अलग हो सकते हैं स्टेट से सेपरेट हो सकती है स्टेट उसका सिंपली कंटेनर नहीं होता है उसका अपना वजूद भी होता है ये सब फॉली को टेरिटोरियल ट्रैप कहते हैं the report of the gulbenkian commission on the restructuring of social science was published in 1996 इसको लिखा था emmanuel वॉलस्टीन ने। वही इमेनुअल वॉलस्टीन जो डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देते हैं जिसमें कि पेरीफेरी और कोर का कॉन्सेप्ट दिया गया था ऑफकोर्स सेमी पेरीफेरी का भी ये भूलिएगा मत वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कोर पेरीफेरी इमेनुअल वॉल्स्टीन इसको याद रखिएगा उन्होंने ही ये अकवर्ड टाइप का बुक की ऑथर भी किया समीर अमीन ने क्वाइन किया यूरोसेंट्रिज्म ये पूछा जाता है हु क्वाइंट ये भी डिपेंडेंसी थ्योरी से जोड़ सकते हैं रिचर्ड नेड लेब्यू इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ये बहुत ही ऑब्सक्योर बुक है फॉरबिडन फ्रूट काउंटर फैक्चुअल एंड इंटरनेशनल रिलेशन यहां पे केवल मैं आपको बताना चाहता हूं काउंटर फैक्चुअल क्या होती है काउंटर फैक्चुअल स्टेटमेंट ये होती है कि जो कि आप केवल अपने आर्गुमेंट में देते हैं वो कभी हो नहीं सकती जैसे कि आसमान यदि फट जाए तो ऐसा हो जाए यदि सूरज जो है वो पश्चिम से पूरब ना घूमने के बदले अपने एक्सिस पे यदि पूरब से पश्चिम घूमे तो सूरज पश्चिम से निकलता हुआ दिखेगा इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते दोस्तों काउंटर फैक्चुअल स्टेटमेंट बोलते हैं जो बिल्कुल नेचुरली वो फॉल्स है लेकिन आप कल अपने आर्ग्यूमेंट के बोलते हैं कि यदि ये होगा तो ये होगा जो हो नहीं सकता है सो काउंटर फैक्चुअल बोलते हैं सो ओके डियर स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग Uh, मुझे बहुत मजा आया क्योंकि इसमें हम लोग ने बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस किए भले ही बहुत अर्बिड क्वेश्चन था लेकिन हम लोग ने काफी इन्फॉर्मेशन निकाले और यदि आप पॉल साइंस हेल्प के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि एक मेंबरशिप ग्रुप है आप ये समझिए एक मेंबरशिप ग्रुप है इसमें आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं और ना केवल फायदे मिलते हैं बल्कि आप पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी को नर्चर करते हैं इसको सेल्फ सस्टेनिंग एंटिटी बनाए रखने में हेल्प करते हैं आपको तब जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें कितने फायदे हैं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा है तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में तो आप नेम और टेलीग्राम नंबर जो है इस मेल पे भेजें आप इस तरह से मुझसे मिल सकते हैं मतलब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं ऐसे ही एसओई एसएयू सॉरी चूंकि 14 15 मई को ही है तो मैं बहुत जल्द जो है जो भी मेरे पास में बचे-खुचे पेपर हैं मैं लेकर के आऊंगा पीएचडी का तो अब नहीं है मेरे पास लेकिन एमए के एक दो पेपर हैं वो एक दो दोनों के अंदर लेकर के आएंगे टिल देन बाय